निर्भर रहे, हम किसान को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, गन्ने किसान की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। हमारे गन्ना किसानों के सामने एक ऐसी समस्या होती है कि चीनी की कीमतें कम हो या फिर चीनी मिले बंद हो तो गन्ना किसान सबसे पहले परेशान हो जाता है। दुनिया के बाजार में चीनी की पैदावार बढ़ जाए तो भी भारत में चीनी कारखाने चीनी की पैदावार से डरते हैं, कारखाने बंद करते हैं, गन्ना किसान को परेशानी होती है। अनेक प्रकार की चुनौतियां, चीनी का वैश्विक बाजार ऊपर नीचे हो जाए तो मुसीबत गन्ना के किसान को, हमारे के यहां के चीनी के उत्पादन कम अधिक हो जाए गन्ना किसान को परेशानी, हमारे चीनी कारखाने चले या बंद रहे गन्ना किसान को परेशानी। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार एक बड़े विजन के साथ स्थायी उपाय के रास्ते पर इस पूरे क्षेत्र को ले जाने के लिए काम कर रही है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा नहीं, चीनी न बने तो गन्ना किसान परेशान हो जाए ऐसा नहीं, दुनिया में चीनी की मांग कम हो जाए और चीनी पैदा करने वाले चीनी पैदा करना बंद कर दे तो गन्ना किसान परेशान हो जाए, ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी। और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, ये गन्ना किसानों को लाभ भी दे रहा है और उनकी आर्थिक व्यवस्था को एक गारंटी देता है, सुरक्षा देता है। मुझे खुशी है योगी जी ने ताबड़तोब इस काम में मेरी मदद की और भारत सरकार जो मिशन लेकर के चल रही थी, योगी जी कंधे से कंधा लेकर के मिलाकर के मेरे साथ चले और इतने कम समय में यूपी को 12,000 करोड़ रुपए गन्ने से जो इथेनॉल बना ना, 12,000 करोड़ रुपया इथेनॉल से मिले हैं जो उत्तर प्रदेश के काम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, गन्ना किसान को सुरक्षा दे रहे हैं। और मेरे गन्ना किसान भाइयों, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, मेरे शब्द लिख करके रखिए, आने वाले दिनों में ये मामला 12,000 करोड़ अटकने वाला नहीं है, ये राशि और बढ़ने वाली है। और इससे गन्ना किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा। यूपी में जो पहले सरकारें रही वो इस तरह का विजन लेकर काम कर ही नहीं सकती थी, कारण परिवारवाद, परिवार से बाहर देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, आपकी चिंता कभी करनी ही नहीं, सब कुछ माफियाओं के भरोसे चलाते रहना। भाइयों बहनों, हम स्थायी समाधान के लिए कदम उठाते हैं, हम स्थायी समाधान के लिए रास्ते खोजते हैं, हम हिंदुस्तान के हर गांव को, हर किसान को, हर नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने देने का अवसर देने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, सहारनपुर में व्यापार कारोबार बढ़े, हमारे दुकानदार साथी
बिना चिंता के काम कर सके, इसके लिए कानून का राज भी बहुत आवश्यक है। सहारनपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताओ जरा मुझे ताकत से जवाब देना, कानून का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून का डंडा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर बहन बेटी को सुख चैन की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक एक नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये जो आप चाहते हैं, इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं। तो कहते हैं देखो, योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, तो क्या उसको महल में भेजे क्या? न्याय उसको महल में भेजे क्या? भाइयों बहनों, पहले यहां क्या स्थिति थी ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। कानून व्यवस्था सुधारने पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों में एक बार फिर औद्योगिक विकास का विश्वास आया है। भाजपा सरकार यूपी के हर जिले, हर क्षेत्र की ताकत, वहां की विशेषता को पहचानकर उसे बढ़ाने में जुटी है। इसी सोच के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई है। योगी जी की सरकार ने छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर काम किया है। साथियों, आपका उत्साह, आपका प्यार मेरी सर आंखों पे, आपने इतना प्यार दे रहे हो, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद मैं आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा, आपका कल्याण करके लौटाऊंगा। साथियों, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी आज विश्व में अपना डंका बजा रही है।